BJP leaders, including party President Amit Shah on Tuesday, launched a concerted attack on Rahul Gandhi, questioning his work for the development of his constituency, Amethi, and asking people to defeat him and the Congress in the next Lok Sabha elections. Addressing a public meeting, Shah spoke for around half hour but made no mention of the charges levelled against his son Jay Shah, whose company reportedly recorded a turnover of rupees 80 crore in 2015 after showing just rupees 50,000 the previous year. Mitro, aaj main yahan par Smriti Ben ke bulave par aaya aur isliye nahi aaya ki Smriti ji kendra sarkar ki kaddawar neta hai, mantri hai. Main isliye aaya hu ki main 30 saal se 35 saal se sarvajanik jeevan mein hu. मगर मैंने ऐसा नहीं देखा कि जीता हुआ प्रत्याशी जनप्रतिनिधि तो कभी ना आए और हारी हुई प्रत्याशी बच्चे की तरह अमेठी को गले लगाकर विकास के काम करे. मित्रों, एक नया उदाहरण. जब जनादेश नहीं मिलता है तो लोग जनता से मुंह मोड़ लेते हैं. अमेठी की जनता ने जीतने के लिए पर्याप्त मत उस वक्त स्मृति जी को नहीं दिए, मगर उन्होंने हारने के बाद भी अमेठी को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा. और आज इसी के कारण 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और अमेठी के अंदर एक विकास की गंगा शुरू हो. मित्रों, ये अमेठी मत क्षेत्र, ये अमेठी की जनता को दुनिया में कोई जाने न जाने, अमेठी क्षेत्र को पूरी दुनिया जानती है क्योंकि गांधी नेहरू परिवार का ये गृह क्षेत्र है, वीआईपी क्षेत्र है. और मित्रों, आजादी से आज तक यहां से बड़े बड़े दिग्गजों को आपने चुनाव जिताकर भेजा. मैं ये पूछना चाहता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार नहीं आई, जब तक योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार नहीं आई, अमेठी के विकास के लिए क्या हुआ भाई? कुछ हुआ है? जरा जोर से बोलो, कुछ हुआ है? मित्रों, आज इस अमेठी की धरती पर से मैं कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी को भी पूछना चाहता हूं, 3-3 पीढ़ियों तक आपको अमेठी की जनता को ने वोट दिया, आप हमारे 3 साल के हिसाब मांगते हो? राहुल बाबा, मोदी जी ने 3 साल में क्या किया? ये अमेठी की जनता 3 पीढ़ी का हिसाब मांगती है आपसे कि 3 पीढ़ी तक आपने क्या किया. मित्रों, 70 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का शासन एक गांधी परिवार के साथ था, मगर यहां पर विकास नहीं हुआ. आज मैं राहुल गांधी को इस धरती पर से सवाल पूछना था. वो गुजरात में है और गुजरात के विकास के लिए सवाल पूछ रहे हैं. मैं आज इस धरती पर राहुल गांधी जी को सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, आप मुझे बताइए, इतने साल से आप सांसद हैं, अब तक अमेठी में कलेक्टर ऑफिस क्यों नहीं बनी? अब तक टीबी का अस्पताल क्यों नहीं बना? अब तक आकाशवाणी का एफएम रेडियो क्यों नहीं आया? अब तक गरीबों को आवाज क्यों नहीं मिले? अब तक ये मां गोमती के कटाव से कटने वाले गांवों को सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं की? ये गुजरात में सवाल खड़े करते हैं. मैं आज अमेठी की धरती पर एक बात दुनिया के सामने कहना चाहता हूं. इस देश में 2 प्रकार के मॉडल हैं, विकास के 2 प्रकार के मॉडल हैं, एक गांधी नेहरू परिवार का मॉडल और एक मोदी मॉडल. अब 70 साल के बाद अगर मोदी जी को ये सब करना पड़ता है तो राहुल बाबा, आप हिसाब दीजिए, आपकी परनानी, परनाना, आपकी नानी, आपके पिताजी,
आपकी माता जी ये सारे लोग सत्ता में रहे, ये सब अब मोदी जी को क्यों करना पड़ रहा है। और यहां से गुजरात जाकर गुजरात के विकास का मखौल उड़ाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि गुजरात का विकास तो गुजरात की जनता जानती है राहुल बाबा, तनिक अमेठी को देख लीजिए, अमेठी में आपने क्या बंटा धार कर कर रखा था। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and Union Minister Smriti Irani, who lost to Rahul Gandhi in 2014 Lok Sabha polls,